गाइस, कैसे आप अपने 2 GB रैम को 4 GB या 4 GB रैम को 8 GB और 8 GB रैम को कैसे 16 GB बनाएंगे, मैं उसके बारे में बात करूँ। सो इस मैं सागर, आप लोग दे रहे हैं मिस्टर 5 यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लेना और बेल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी तगड़ी वीडियो लेकर आप सबके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस, इसके लिए मुझे अपने फोन स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, मैं उधर ही जाकर बताऊंगा कैसे आप अपने रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं अपने फोन स्क्रीन पर आ गया हूँ, अब मैं बताऊंगा इस कैसे आप अपने रैम को डबल कर सकते हो 2 GB को 4 GB, 4 GB को कैसे 8 GB बनाओगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। रैम को डबल करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस, वो ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है गाइस। उस ऐप को पहले आपको ओपन करना पड़ेगा गाइस। ओपन करने के बाद गाइस इधर देखना, इधर एक साइज वाला ऑप्शन आएगा, साइज वाला ऑप्शन को आपको लिखना पड़ेगा आपको कितना GB रैम ज़रूरत है गाइस। जितना GB आपको रैम ज़रूरत उतना GB आप इधर लिख देना गाइस। ओके गाइस, लिखने के बाद यार क्रिएट पर क्लिक कर देना, और गाइस इधर जितना GB आप लिखेंगे उतना GB गाइस आपका जो इंटरनल स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज में जगह होना चाहिए। अगर 2 GB तो 2 GB खाली होना चाहिए, या 8 GB तो 8 GB खाली होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये ऐप्स क्या करते हैं, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो इंटरनल स्टोरेज को लेकर वर्चुअली रैम क्रिएट कर देता है। ओके गाइस, सो गाइस इसे क्रिएट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद येस करना, येस करने के बाद गाइस इधर आपको सक्सेसफुली दिखाएगा आपका रैम क्रिएट हो चुका है। देखिए गाइस इधर दिख रहा मेरा रैम क्रिएट हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और बेल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी तगड़ी वीडियो लेकर आप सबके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।